इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। शहडोल जिले से बड़ी खबर, विकासखंड बुढ़ार के शिक्षकों की नवनियुक्त शिक्षक वेतन भुगतान नहीं होने से आर्थिक रूप से हो रहे परेशान। बाहर से आए नए नवयुवक शिक्षक रहन सहन हेतु वेतन न मिलने से आर्थिक व्यवस्था हो रही चौपट। आखिरकार उच्च अधिकारियों के होने के बावजूद भी वेतन भुगतान नहीं होने से नवनियुक्त शिक्षकों का अभी से ही डील रवैया अधिकारियों को देखने को मिल रहा है। अगर शिक्षक ही वेतन ही ना होंगे तो क्या शिक्षाहीन होने की संभावना भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि अब आर्थिक रूप से शिक्षक परेशान होंगे तो शिक्षा हो सकती है बाधित। सर आपका? ओमकार प्रसाद पंचा मेरा नाम है। क्या समस्याएं हैं आप लोग सभी शिक्षकों की? हमारी 9 अप्रैल को हमारी पोस्टिंग हुई है पीएस मुठवाटोला संकुल बिरोली है हमारी बुढ़ार ब्लॉक में। जी सर, 4 महीनों से हमको इतनी समस्या का मतलब सामना करना पड़ रहा है कि अब हम कैसे बताएं। आज तक हम कम से कम 40-45 हज़ार रुपया मतलब इन्वेस्ट कर चुके हैं। किस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं आप लोग को? आर्थिक रूप से पेमेंट नहीं मिल रहा आप लोग को? नहीं मिल पा रहा है। कितने महीने से? लगभग 4 महीने। 4 महीने से आपको भुगतान? अप्रैल से आज तक वेतन भुगतान अभी तक एक बार भी नहीं किया गया? एक भी बार नहीं मिला है। किस जिले से हैं आप? मैं तो अनूपपुर जिले से हूँ सर। तो यहाँ पर जीवनी कैसी चल रही है? बस हो गया, यहीं से सर एक दूसरे से मांग के काम चला रहे हैं सर। अच्छा, पेमेंट ना मिलने से आपकी जीवन यापन काफी दिक्कतों का सामना पड़ना है। वरिष्ठ अधिकारियों से बात हुई आप लोगों की, किस कारण आप लोगों को पेमेंट नहीं मिल रहा है? बोल रहे कि मतलब अगस्त माह तक मिल जाएगा, यूनिट कार्ड जारी नहीं हुआ है। तो आप लोग 4 महीने से यहाँ पर पोस्टेड हो चुके हैं, तो क्या वरिष्ठ अधिकारी की जिम्मेदारियाँ नहीं है कि सभी कर्मचारियों का यूनिक आईडी टाइम पर रिक्रूट कर दें? सर हमने कई बार बात भी किया, बोले हमने फाइल मतलब जिले में भेज दिए हैं, हो जाएगा बोलते। तो हो जाए क्या? कोई सिस्टम है कि ऐसे ही भर्रेशाही चल रही है अधिकारियों की? किस कारण वश नहीं कर रहे हैं? अरे तो आप अधिकारी ही बताएंगे सर कि क्या कारण से मतलब यूनिक आईडी जारी नहीं हो पा रहा है। बाकी जिलों में जारी हो गया है यूनिक आईडी, और अनूपपुर जिला वालों को तो पेमेंट भी हो चुका है। व्यवहारी में हो चुका है? नहीं, अनूपपुर में हो गया। अच्छा, अनूपपुर जिले में हो चुका है और शहडोल जिले में अभी तक पेमेंट नहीं हो पाई है। क्या नाम मैडम आपका? मेरा नाम पूजा मेरावी है, मैं बालाघाट जिले से हूँ। कहाँ पर आप पोस्टेड हैं? मैं कोसम टोला में हूँ, यहाँ से बुढ़ार से 40 किलोमीटर दूर है। क्या समस्याएं आ रही हैं आप? सर यही आर्थिक समस्याएं हैं, खाने पीने से लेके हम रूम रेंट भी नहीं दे पाए हैं। जब से हम यहाँ पर आए हैं तो रूम रेंट भी नहीं दिए हैं, बस मांगना चल रहा है। अच्छा, वेतन भुगतान आप लोग का नहीं हुआ है? हमारा वेतन भुगतान नहीं हुआ है। कितने महीनों से मैडम नहीं हुआ है? 4 महीने से। कौन कौन में ज्वाइनिंग हो चुकी थी? जी 10 अप्रैल। तो अभी तक आप लोग का एक बार भी वेतन भुगतान नहीं किया गया है? नहीं सर, एक बार भी अभी वेतन भुगतान नहीं हुआ है। किस कारणवश आप लोग को पेमेंट नहीं हो पा रहा है? सर पूछते हैं तो बताते ही नहीं है। तो वरिष्ठ अधिकारियों से जानकारी ली जाती है आपके माध्यम से, तो जानकारी नहीं मिल पा रही है। लगभग कब से आप लोगों ने यहाँ शिकायत की वरिष्ठ अधिकारियों को कि पेमेंट हमारा अभी तक नहीं किया गया? सर कल 1 महीने से ज्यादा हो गए, कल भी हम आए थे तो सर नहीं मिले थे। तो वरिष्ठ अधिकारी आपको कार्यालय में नहीं मिल रहे हैं जी, जिससे आप लोग के कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहे हैं? हाँ। से या जिले के वरिष्ठ अधिकारी से क्या मांगी है आपकी, बताएं? सर हम यही कहते हैं कि अदर जिलों में पेमेंट होने लगी है, सिर्फ शहडोल जिले में नहीं हो रही है, तो जल्द से जल्द पेमेंट करने की बस वही समस्या है कि जल्द से जल्द हमारी पेमेंट आ जाए। ये सब हमारी समस्या नहीं है, सभी लोगों की समस्या है, जो 500 किलोमीटर दूर से आए हैं, कोई 400 किलोमीटर दूर से आए हैं। पेमेंट नहीं मिलने से आर्थिक समस्या से आप लोग जूझ रहे हैं? जी सर। विभिन्न विभिन्न जिलों से आपने यहाँ पर नियुक्ति की है, वेतन भुगतान ना होने से आप लोग को आर्थिक जीवन में काफी समस्याएं हो रही हैं। हाँ। इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।